सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक करें अपन शुरू बिना किसी देरी के। वे कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन का अंतिम भाग, और अंतिम भाग पढ़ने के साथ ही अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा किया, राजस्थान के इतिहास के अंदर अपने 1857 की क्रांति और बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हो चुका है। अब अपन आज की क्लास को शुरू करें, उससे पहले शंका का समाधान कर देता हूं मैं। राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने कल भी बताया था, मैं मात्र 3 टॉपिक बचे हुए, ऊर्जा, उद्योग और पर्यटन, वो साथी सर हम वो करें मैं करवाऊंगा। वो करवा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवाते हैं तो मैं करवा दूंगा, चिंता रहित रहे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। अब कई के मन में प्रश्न बनेगा, गुरु जी आप हिस्ट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और जो पॉलिटी, उसका ज्यादा अहम योगदान है बनिस्पत इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इसलिए वो काम पहले ज्यादा करना चाहिए जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों को फायदा मिले उससे। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी कम मार्क्स की आएगी अगर आएगी तो राजस्थान पुलिस वगैरह में, ठीक है। और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं अभी है नहीं, तो उनको जब भी परीक्षा होगी तब मैं करवा दूंगा और बाकी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो मित्रों गौर कीजिएगा, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करें। और हाँ, इतिहास के अंदर अपन बिल्कुल तसल्लीबस चलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक का सहारा नहीं लिया जाएगा। चीजों को समझना है अच्छे ढंग से तो आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं मैं हृदय तल की गहराइयों से। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भाई साहब मैं माफी चाहूंगा, शॉर्टकट के लिए आप और कोई रास्ता देख सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी हमें किताबें थोड़ी ना लिखनी है। तो भाई साहब किताबें नहीं लिखनी, लेकिन आज का जो प्रतियोगी दौर है वो बड़ा ही क्लिष्ट है, इसमें ऐसे पार नहीं पड़ने वाला मामला, ठीक है। तो मित्रों शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को, और आज की क्लास का जो अपना यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेंगू किसान आंदोलन। पहले पन्ने क्या पढ़ा? तो भाई साहब पहले पन्ने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया किसान आंदोलन में अपन ने बहुत सारी बातें की। आज अपन चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन। छोटा सा आंदोलन है, दिल से समझिएगा, पूरी चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं इससे बात करूं कब प्रारंभ हुआ, 1921 में खत्म कब हो गया, 1925 के अंदर इससे महत्वपूर्ण आयोग कौन सा, ट्रेंच आयोग है, समझौता कौन सा था अनूप सिंह के साथ था, समझौते को क्या कहा गया, बोल्शेविक समझौता कहा गया, और ट्रेंच ने फिर गोलियां चलवाई थी, गोलियों के अंदर 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे, रूपाराम जी कृपाराम जी। हो गया टॉपिक पूरा, लेकिन नहीं, अपने को इसकी पूरी कहानियां समझनी है। बेंगू किसान आंदोलन, इसकी इमेज अपने माइंड में हमेशा के लिए बन जाए, इसके लिए चलिए मेरे साथ और करते हैं बंसूर। मित्रों पहली बात तो ये कि बेंगू में किसान आंदोलन होता है, उससे पहले आप ये समझिएगा कि बेंगू की जो स्थिति है ये कहां पे है। मैं कहूं कि बेंगू की जो स्थिति है वो कहां पे, तो आपका उत्तर बनेगा कि बेंगू की जो स्थिति है ये बिजोलिया के पास, बिजोलिया के पास ही थी। और बिजोलिया चूंकि भीलवाड़ा क्षेत्र में, लेकिन बेंगू जो है वो कहां पे मित्रों, तो याद रखिएगा बेंगू चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। दूसरी बात कोमल, क्या कोमल निकल के आई बिजोलिया में भी जाति कौन सी थी, तो अपन कहेंगे बिजोलिया के अंदर भी जो जाति थी वो धाकड़ जाति के ही किसान थे। और यहां पे मित्रों कौन से किसान है, धाकड़ किसान है, यानी धाकड़ जाति के ही यहां पे क्या है, किसान। अब अगला मुद्दा कि बिजोलिया के अंदर जब आंदोलन चला, क्योंकि बिजोलिया में 1857 में आंदोलन चल गया था, जब राजनीतिक चेतना जागृत हो जाती है तो उसके आस पड़ोस वाले क्षेत्रों पर भी उस चेतना का प्रभाव पड़ता है। और मेरे प्यारे मित्रों प्रभाव यहां भी पड़ता है, क्योंकि अपन लोग देखें, जैसे मैंने कहा आपके सामने ऐसे मैंने मैप बनाया, और मैं कहूं कि बिजोलिया में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो इस किसान आंदोलन का प्रभाव निश्चित है बेंगू वाले क्षेत्र पे भी पड़े, क्योंकि जब यहां वाले किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, यहां वाले किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने लग गए, तो निश्चित रूप से यहां के किसानों ने भी धीरे धीरे किसान पंचायतों का गठन करना शुरू कर दिया। और किसान पंचायतों के गठन के साथ ये लोग भी चाहते थे कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम क्यों दें ऊंची लगान, हम क्यों करें बेगान, इसलिए
इन लोगों ने भी क्या किया, एक ऐसा अपन कहें कार्य योजना तैयार की, वही कार्य योजना आगे चल के और किसका रूप ले लेती है प्यारे साथियों, आंदोलन का रूप ले लेती। अगली बात, यहां इस क्षेत्र की स्थिति देख ली, जाति देख ली, सुनिएगा मेरी बात, यहां पे क्या है, मैं कहूं कि यहां आंदोलन होगा। आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या पृष्ठभूमि बनी, यहां की सुनिएगा समझिएगा। नंबर एक बात, लगान की दरें ऊंची। दूसरी बात, अनावश्यक लाग बाग। तीसरी बात, सामंती अत्याचार। ये सारा ही माजरा था। अब इन सभी से मुक्ति पाने के लिए, समझते जाइएगा पूरी चीज समझ में आएगी, इन सबसे क्या करने के लिए भाई साहब, इन सबसे मुक्ति पाने के लिए। अब मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति मिले तो मुक्ति मिले कैसे, तो इन सबसे मुक्ति पाने के लिए यहां के किसानों ने, कहां के किसानों ने, बेंगू के किसानों ने क्या काम करना शुरू किया, किसान पंचायतों का गठन कर लिया। अब किसान पंचायतों का भी गठन कर लिया, चलो ठीक है, लगान की दरें ऊंची थी, अनावश्यक लागबाग थी, सामंती अत्याचार था, और इन सबसे मुक्ति पाने के लिए किसान पंचायतों का गठन कर लिया। और ये लोग चाह रहे थे कि हम हैं, अब वो इन अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम इनके इस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन निकले कैसे, निकलने के लिए नेता होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, और यहां इन किसानों के पास एक ही चीज की कमी थी, इनमें साहस भी था, इनमें जुनून भी था, ये सामंतों के विरुद्ध भी बोलना सीख गए थे। कुल मिला के अपन कहें कि जो एक आंदोलन के लिए होना चाहिए था वो सब कुछ था, केवल एक चीज को छोड़ के, और वो चीज क्या थी, वो था कुशल नेतृत्व। तभी तो मैं बार बार कहता हूं, घोड़ा वो प्रथम नहीं आता जिसके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है, घोड़ा वो प्रथम आता है जिसमें क्षमता के साथ साथ जिसके सवार की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। यानी रेस में वही घोड़ा आगे आएगा जिसके सवार में भी काबिलियत होगी, तो यहां सवार में भी काबिलियत होनी चाहिए थी। आप अकेले काफी अच्छे, लेकिन आपको अगर अच्छा साथ नहीं मिला, आपको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, तो आप फर्स्ट नहीं आ सकते, आप इसको नहीं जीत सकते। आप में खूब काबिलियत है, लेकिन आपकी काबिलियत को पहचानने वाला अगर मिल जाए और उस काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको मार्गदर्शित कर दे, तो आप आराम से रेस को जीत सकते हैं। यही बात यहां हो रही थी। अब प्यारे मित्रों क्या होता है, किसान पंचायतों का गठन हो गया, लेकिन अब करें तो क्या करें, मिटा दूं इसको मैं। किसान पंचायतों का गठन होता है प्यारे मित्रों, और इस किसान पंचायतों के गठन के बाद में अब ये किसान है ये बात के लिए बार बार विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श क्या करते हैं, इनके पास एक चीज की कमी थी, मैं कहूं इनके पास एक कमी थी। आप कहेंगे गुरुजी इनके पास क्या कमी थी, तो भाई साहब इनके पास कुशल नेतृत्व का अभाव था। मैं लिख सकता हूं इनके पास कुशल नेतृत्व का क्या था, अभाव था, कमी थी। चलो अच्छी बात है, अब इस कमी को दूर कैसे किया जाए। तब ये किसान 1921 में, कब 1921 में, मेनाल क्षेत्र के, मेनाल के भैरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होता है। आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा, क्या कोशिश करनी है कि आंदोलन की शुरुआत कब से होती है। यानी मैं यहां ये लिख सकता हूं बेंगू किसान आंदोलन
प्यारे मित्रों, ये आंदोलन कब से लेके कब तक चलेगा? 1921 से लेके 1925 तक चलेगा। 21 में सारे के सारे किसान मेनाल के भैरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जो कौन से ठिकाने के अधीन था? बेंगू ठिकाने के अधीन था। एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर इन्होंने विचार विमर्श किया कि हमें विजय सिंह जी पथिक से मिलना चाहिए, हमें पथिक जी से मिलना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि पथिक जी, आप हमारे आंदोलन की बागडोर संभालिए, ताकि जो लहर बिजोलिया क्षेत्र में चल रही है, वो लहर, वो अत्याचारों से मुक्ति है, वो हमें भी मिल सके। विचार करते हैं किसान बैठ के। अब प्यारे साथी, यहां किसानों की मीटिंग होती है और यहां एक विचार रखा जाता है। विचार क्या था सुनिएगा। विचार यूं था, इस प्रकार से था कि हम लोगों को आंदोलन के नेतृत्व के लिए पथिक जी से मिलना चाहिए। अब भाई साहब, पथिक जी से मिलना चाहिए, अच्छी बात है, मिल लेंगे। और ये लोग पथिक जी से मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? पथिक जी से मिलने के लिए मैं यूं कहूं, इन किसानों के प्रतिनिधि पथिक जी से मिलने अजमेर पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए भाई साहब? अजमेर। कहां से पहुंच गए अजमेर? भैरुंगों से। किसके पास गए हैं अजमेर? पथिक जी के पास। क्यों गए हैं पथिक जी के पास? आंदोलन के नेतृत्व के लिए। पथिक जी से होती है मुलाकात, चले गए। अब यहां पे प्यारे मित्रों, पथिक जी ने, क्योंकि पथिक जी के पास जैसे ही जाते हैं, पथिक जी कहते हैं, यार मैं तो बेलो को नहीं, मेरे कन तो टाइम को नहीं, लेकिन मैं मारे रामू ने भेज देसु, यानी रामनारायण चौधरी जी को। रामनारायण चौधरी भी एक बड़ा नेता, बा नेता ने विजय सिंह पथिक है बा आ किसाना के साथ कर दिया कि रामनारायण जी थे जाओ, थे आंदोलन की कमान संभालो। तो प्रश्न बन सकता है प्यारे मित्रों कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। हालांकि 1923 में जाके विजय सिंह पथिक भी नेतृत्व करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद विजय सिंह पथिक को कैद कर लिया जाता है, अपन कहें कि उनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन प्रारंभ में नेतृत्व अब कौन करेंगे? रामनारायण चौधरी। पथिक जी ने रामनारायण चौधरी को, याद रखिएगा साथियों, रामनारायण चौधरी को किसानों के साथ, किसको? रामनारायण चौधरी को किसानों के साथ तत्कालीन दीवान, यानी मेवाड़ का दीवान था। याद रखना है कि पथिक जी ने रामनारायण चौधरी को किसानों के साथ तत्कालीन दीवान बहादुर दामोदर लाल से मुलाकात करने के लिए भेज दिया। अब सुनिएगा, करने के लिए भेज दिया और समझिएगा भी साथ साथ, यानी मैं कह रहा हूं, बहादुर दामोदर लाल ये मेवाड़ के दीवान थे। मेवाड़ के दीवान से मुलाकात होगी तभी तो माजरा समझ में आएगा ना। याद रखिएगा, पथिक जी के पास जाते हैं किसान, अजमेर पहुंचते हैं, पथिक जी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है,
तो बोले आप दूसरे व्यक्ति को भेज दीजिएगा, राम नारायण चौधरी को भेजते हैं। ये पतित जी राम नारायण चौधरी किससे जुड़े हुए थे? राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, और बेंगू के जो किसान थे वो राजस्थान सेवा संघ का सहयोग लेना चाहते थे। तो राजस्थान सेवा संघ के ही एक मंत्री राम नारायण चौधरी को किसानों के साथ तत्कालीन दीवान बहादुर दामोदर लाल से मुलाकात करने के लिए विजय सिंह पथिक के द्वारा भेज दिया जाते। आगे की कहानियां क्या बनती हैं इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। शाबाश, हाँ जी, ले पाए। अब मित्रों सुनिएगा, अब अपन बात कर रहे हैं, यानी आंदोलन शुरू हो चुका है और आंदोलन में आगे क्या क्या कहानियां बनती हैं देखते रहिए, बने रहिए, बीच में मत जाइए। देखिएगा मित्रों, मैंने कहा ये बेंगू, ये मेवाड़ रियासत थी पूरी, ये अजमेर, बेंगू के किसान धीरे 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 कहां जाते हैं? अजमेर। अजमेर में कौन थे? अजमेर में पथिक जी। पथिक जी से होती है मुलाकात, किन की? किसानों की। पथिक जी क्या करते हैं? पथिक जी भेजते हैं राम नारायण चौधरी को। राम नारायण चौधरी को किसके साथ भेज देते हैं? किसानों के साथ। कहां भेज देते हैं? मेवाड़। और मित्रों मेवाड़ में आके इस समय का दीवान, तत्कालीन दीवान, मैंने बताया तत्कालीन दीवान कौन था? बहादुर दामोदर लाल। आकर के किसान लोग और राम नारायण चौधरी मुलाकात करते हैं बहादुर दामोदर लाल से। अब बहादुर दामोदर लाल ने किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही आश्वासन किस चीज का दिया? तो मित्रों आश्वासन सुधार करने का दिया, कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का हम लोग क्या करेंगे? सुधार करेंगे। और ये केवल और केवल, मैं यूं कह सकता हूं, ये केवल आश्वासन ही बना रहा, और इन्होंने आश्वासन तो दे दिया प्यारे मित्रों, लेकिन यहां गौर करना मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन कार्य नहीं हुआ। उसी प्रकार से वही अत्याचार, वही अनावश्यक लाग भाग, और ये सारा का सारा चलता रहा। अब जैसे ही ये माजरा होता है, इनकी नहीं सुनी जाती है, तो अब मित्रों क्या होता है, ये जो राम नारायण चौधरी थे ये मेवाड़ से कहां पहुंच जाते हैं? बेंगू। मैं यूं कह सकता हूं, अब राम नारायण चौधरी बेंगू पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं प्यारे मित्रों? बेंगू पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बेंगू पहुंचेंगे, वैसे ही यहां के किसानों के साथ इनकी मीटिंग चलती है, किसान पंचायतों के साथ बात चलती है, और ये कह देते हैं कि अगर आपकी मेवाड़ के दीवान ने नहीं सुनी तो आप भी मेवाड़ के आदेशों की पालना बंद कर दें, लगान देना बंद कर दें, फसल में जो कूंता करने के लिए आते हैं उस कूंता करवाना बंद कर दें। आप कहेंगे लाटा कूंता क्या होती है, पीछे वाले वीडियो देखिएगा। क्या कहा मैंने? इन्होंने कहा कि लगान देना बंद कर दीजिए, उनके आदेशों की पालना बंद कर दीजिए, जो खड़ी फसल का कूंता करते हैं वो कूंता करवाना बंद कर दीजिए, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार कर दीजिए, अदालतों का बहिष्कार कर दीजिए। ये खबर हर एक किसान के पास पहुंच जाती है और हर एक पंचायत के पास ये खबर पहुंच जाती है। जैसे ही प्यारे साथियों ये पता चलता है, किसको पता चलता है? ये पता चलता है बेंगू ठिकाने को, ये पता चलता है मेवाड़ की सरकार को,
ये पता चलता है ब्रिटिश सरकार को, तो उनके भी पांव फूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। एक तरफ जहां बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा था, वो भी अपने चरम पे था, और उसी के पड़ोसी क्षेत्र में बेंगू के अंदर एक और आंदोलन चल जाता है। यानी अपन यूं कहें, ये एक प्रकार से एक के बाद एक अंग्रेजों के मेवाड़ सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। साथियों गौर कीजिएगा आगे वाली घटना पे कैसे घटित हो। पहले किसान थे, किसान अजमेर जाते हैं, पथिक जी से मुलाकात करते हैं, पथिक जी रामनारायण चौधरी को भेजते हैं, मुलाकात किससे होती है, तत्कालीन दीवान बहादुर दामोदर लाल से, और उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और साथ ही सुधार का आश्वासन दिया। लेकिन इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, और मित्रों जब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है तो रामनारायण चौधरी स्वयं कहां चले आते हैं, स्वयं बेंगू चले आते हैं। और जैसे ही मेरे प्यारे मित्रों ये बेंगू आते हैं तो किसानों ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की किसानों ने? नंबर एक, फसल का कूटा नहीं देंगे, नहीं करवाएंगे फसल का कूटा नहीं। नंबर दो, लाग बाग नहीं, मतलब बेगार वगैरह नहीं देंगे भाई साहब। नंबर तीन, सरकारी कार्यालयों व अदालतों का बहिष्कार। जैसे ही ये पूरा का पूरा माजरा होता है भाई साहब, उसके बाद क्या होगा? फसल का कूटा नहीं देना, लाग बाग नहीं देना, और सरकारी जो कार्यालय हैं, जो अदालतें, उनका बहिष्कार कर दो। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से क्या प्रभाव पड़ा? ठिकाना पलस में मेवाड़ सरकार, और मेरे प्यारे मित्रों पलस में ब्रिटिश सरकार, तीनों के तीनों जो थे वो क्या हो गए? वो चिंतित हो गए। अब चिंतित होने के क्या करें, चिंतित है तो इसके लिए इन्होंने सभी ने निर्णय लिया कि इस आंदोलन के लिए दमनकारी नीति अपनाई जाए। कैसी नीति अपनाई जाए? दमनकारी नीति अपनाई जाए। और प्यारे मित्रों सुनना, दमनकारी नीति का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही कहना था कि लठ के जोर से इस आंदोलन को रोक दो। सीधी बात है कि एक बात, लठ का जोर रुका हुआ आंदोलन। और भाई साहब मैं यूं कहूं कि इस समय जब ये दमनकारी नीति अपनाएगी, किसानों के ऊपर डंडे बरसाएंगे, लाठियां बरसाएगी, यहां तक कि महिलाओं की इज्जत भी लूटी गई और बच्चों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। मैं यूं कह सकता हूं ये जो दमनकारी नीति थी, इसके तत्कालीन जो समाचार पत्र थे, जैसे अपन कहते हैं कि प्रताप वगैरह समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान वगैरह, अभिद्य राजस्थान वगैरह, बहुत सारे समाचार जो पत्र थे, इन सभी समाचार पत्रों ने इस घटना का बहुत जोर से विरोध किया कि ये बेंगू के अंदर ठीक नहीं हो रहा। मित्रों सुनिएगा, इस आंदोलन के लिए दमनकारी नीति अपनाई जाती है और यहां साफ कह दिया जाता है किसान जो थे उनको जंगल में जाने से रोक दिया गया। जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते, घास नहीं ला सकते, और जो आपका चरनोट भूमि थी, आप कहेंगे चरनोट भूमि कौन सी, जहां पशु चराए जाते थे, उस भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया गया। किसानों की खड़ी फसलें थी वो जला दी गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और यूं कहें कि अमानवीय तरीके से जो भी काम उनको करना था वो किया गया। जब मेरे प्यारे मित्रों ये इतना काम होता है, दमनकारी नीतियां अपना ली जाती हैं, अब जाके कहीं ना कहीं ये आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। और इसी घटना में आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं एक नाम और बता देता हूं, मंडावरी नाम की जगह थी। आप तो सिर्फ रूपाजी कृपाजी धाकड़ ही पढ़ते हैं कि साहब रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे, गोलियां चली थी, लेकिन प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं, उस रूपाजी कृपाजी के शहीद होने से पहले 1922 के अंदर मंडावरी नाम का गांव था, वहां भी गोलियां चली थी। याद रख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है, अभी तक आया नहीं, आ सकता है, पॉसिबिलिटी जो आए हुए हैं वो तो सभी को पता ही अपने को, लेकिन जो आ सकते हैं उनकी तरफ भी, एग्जामिनर की सोच तक भी अपने को जाना है, पहुंचना है। ठीक है, चलते हैं। अब साहब इस आंदोलन के लिए कैसी नीति अपनाई जाती है? दमनकारी नीति अपनाई जाती है।
अब प्यारे मित्रों होता क्या है ना आगे वो देखिएगा। अब 1922 के अंदर जोन 1922 में, तब की बात कर रहे हैं अपन, जोन 1922 में क्या होता है, जोन 1922 में देखिएगा, यानी मैं यूं कहूं जोन 1922 के अंदर किसान जो थे किसानों के लिए काली। अब सुनना, 1922 के अंदर किसानों के लिए कार्य तो हो जाता है प्यारे मित्रों। अब कार्य का मतलब आप समझेंगे, यहां क्या कार्य होता है, कार्य का मतलब क्या होता है, सुनिएगा एक मिनट के लिए, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी सुनिए, यानी अपन कह रहे थे किसानों के लिए कार्य होता है, क्या कार्य होता है सुनिएगा समझिएगा। किसानों के लिए कार्य का मतलब समझने की बात है, बेंगू ठिकाने के राव, कौन थे बेंगू ठिकाने के राव सुनिएगा, बेंगू ठिकाने के राव थे अनूप सिंह। जब अनूप सिंह को यह पता चल जाता कि अब आंदोलन आगे बढ़ेगा और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो भाई साहब अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता होता है। मैं यूं कहूं कि इधर अनूप सिंह इधर किसान, कहां के किसान, बेंगू के किसान, और इनकी मध्यस्थता कौन करवा रहे थे, इनकी मध्यस्थता भाई साहब करवा रहे थे विजय सिंह जी पथिक। गौर करना मेरी बात पे, इनकी मध्यस्थता कौन करवा रहे थे भाई साहब, इनकी मध्यस्थता करवा रहे थे विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से अनूप सिंह और किसानों के बीच क्या हो जाता है प्यारे मित्रों, अनूप सिंह और किसानों के बीच एक समझौता हो जाता है। मैं यहां यूं कह सकता हूं, यहां एक समझौता हो जाता है। आप कहेंगे समझौता क्या हो जाता है, समझौता जो भी हुआ लागबाग कम करने का, लेकिन इस समझौते को मेवाड़ की सरकार है वो मंजूर नहीं करती। सुनना, यानी अनूप सिंह और किसानों के बीच 1922 के अंदर समझौता होता है विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से, और होता कहां पे समझौता, तो याद रखना मित्रों अजमेर में होता है। लेकिन याद रखें इस समझौते को, इस समझौते को मेवाड़ सरकार द्वारा नहीं माना जाता है, और मेवाड़ सरकार द्वारा नहीं माना जाता है इसका मतलब आप यह समझ सकते हैं कि यह समझौता हुआ नहीं हुआ बराबर था। और इसी समझौते को संज्ञा दे दी जाती है, कौन से समझौते की, बोल्शेविक समझौते की, कौन से समझौते की, बोल्शेविक समझौते की। आप याद रख लीजिएगा इतिहास के कौन से समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है, तो प्यारे साथियों आपका उत्तर बनेगा इतिहास का एक ऐसा समझौता जो किसके मध्य हुआ था, अनूप सिंह और किसानों के बीच हुआ था, उस समझौते को कहा जाता है बोल्शेविक समझौता। आप कहेंगे गुरु जी बोल्शेविक क्या मसला है, साथियों आपने रूस की क्रांति के बारे में जिक्र सुना होगा, जब रूस में क्रांति चली थी तो उस समय दो वहां पे वर्ग बन गए थे, एक पार्टी के दो टुकड़े हो गए थे, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक का मतलब था बहुत लोगों का दल, और मेंशेविक का मतलब था कम लोगों का दल। अल्पमत थे वो मेंशेविक थे, और बहुमत थे वो बोल्शेविक थे। बोल्शेविक एक ही काम कर रहे थे, वो किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका तो नारा ही था किसानों को खेत दो गरीबों को रोटी दो। याद रखेंगे उनका नारा क्या था, उनका नारा था किसानों को खेत दो और गरीबों को रोटी दो। तो उसी प्रकार से उसी चीज को देखते हुए यहाँ की कई सरकारी विज्ञप्तियों में भी कहा गया था कि यहाँ की किसान पंचायतें बोल्शेविक संस्था की तरह काम कर रही है। प्रश्न आ जाए कि कौन से किसान पंचायतों को या कौन से किसान आंदोलन के दौरान किसान पंचायतों को बोल्शेविक संस्था की संज्ञा दी जाती है, तो मित्रों गौर कीजिएगा बेंगू किसान आंदोलन। जबकि प्रश्न आ जाए कि बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी जाती है, अनूप सिंह और किसानों के बीच। चलो अच्छी बात है, इस समझौते को मेवाड़ सरकार नहीं मानती है। अब भाई साहब मेवाड़ सरकार नहीं मानती तो नहीं मानती, चलो ठीक है सुनिए।
मेवाड़ सरकार इस समझौते को नहीं मानती है और यहां क्या किया जाता है मित्रों सुनना, यहां बेंगू ठिकाने पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाती है। यानी अपन यूं कह दें कि अनूप सिंह को सस्पेंड कर दिया, आज की भाषा में यूं कहें, बेंगू ठिकाने पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। और मित्रों सुनिएगा, बेंगू ठिकाने पर प्रशासक आता कौन है, यह भी एक विशेष व्यक्ति था। आप कहेंगे किसे नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है अमृतलाल को, और ये अमृतलाल पूरे के पूरे मेवाड़ के अंदर एक नंबर का भ्रष्टाचारी, एक नंबर का रिश्वतखोर, एक नंबर का अपन कहें अमानवीय हरकतें करने वाला, एक नंबर का बेकार आदमी सीधे बोला, ये अमृतलाल है, इसकी नियुक्ति कर जाती है। और जैसे ही मित्रों गौर करना, यह घटना कब हुई थी, यह घटना हुई थी जून 1922 में, और अमृतलाल की नियुक्ति कब कर दी जाती है, मार्च 1923 में। अमृतलाल की नियुक्ति कब की जाती है, मार्च 1923 में अमृतलाल की नियुक्ति कर दी जाती है। और अमृतलाल के आने के बाद में यहां की जो स्थितियां हैं प्यारे मित्रों, वो और ज्यादा टेढ़ी हो जाती हैं और लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार यहां होने लग जाते। अंत तब क्या होता है सुनना, अंततः याद रखना है कि जून 1923 में एक आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है भाई साहब, एक आयोग का गठन किया जाता है। और आपको याद रखना है मित्रों, ये जो आयोग था, इस आयोग का नाम क्या था, तो आप कहेंगे ट्रेंच आयोग। क्या नाम था इस आयोग का, ट्रेंच आयोग नाम था। ट्रेंच कौन था, सेटलमेंट कमिश्नर था, और ट्रेंच की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग मेरे प्यारे मित्रों, ये 13 जून 1923 ईस्वी को ये कहां पहुंचता है, बेंगू पहुंचता है। लेकिन प्यारे साथियों, ये बेंगू पहुंचता है और किसानों को कहा जाता है कि आप बेंगू आ जाइए और वहां बैठ के अपन लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन किसान थे, अब वो रायता गांव में बात करना चाहते थे। कौन से गांव में, रायता गांव। मैं यहां पे दो पक्ष बना देता हूं, एक मैंने कहा ट्रेंच, एक मैंने कहा किसान। ट्रेंच कहां बात करना चाहता था, ट्रेंच बात करना चाहता था बेंगू में। किसान कहां बात करना चाहते थे, किसान बात करना चाहते थे रायता। लगातार इनके बीच कसमकस चलती रहती है। ट्रेंच कहता है बेंगू आ जाओ, किसान कहते हैं रायता आ जाओ। ट्रेंच कहता है बेंगू आ जाओ, किसान कहते हैं रायता आ जाओ। और इनका ये बेंगू और बूंदी का रायता, ये रायता फेल हो जाता है। और मैं यूं कहूं मेरे प्यारे मित्रों, क्या कि ये वार्ता होती ही नहीं है, वार्ता होती ही नहीं है। अब जब वार्ता नहीं होती, इसके बाद में क्या होता है, वार्ता हुई नहीं, और वार्ता नहीं होने का मतलब था ट्रेंच ने एक तरफा रिपोर्ट पेश कर दी। और एक तरफा रिपोर्ट यह पेश की मेरे प्यारे साथियों कि यहां जो भी लाग बाग लग रही है, ये कोई भी लाग बाग है, छोड़ के एक दो लाग बाग को, कोई भी लाग बाग है ये गलत नहीं है, सारी लाग बाग ठीक है। यानी यहां तो हो गया गड़बड़। ट्रेंच कह रहा था बेंगू में आओ, किसान कह रहे थे रायता में आओ, वार्ता होती नहीं है, ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय दे दिया। और मित्रों ट्रेंच ने क्या कहा, जो लागबाग लग रही है ये लागबाग कोई गलत नहीं। और दूसरी बात ट्रेंच ने बड़ी कमाल की कह दी कि यहां के किसानों को भड़काने में विजय सिंह पथिक का महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनके ऊपर भी राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए, किसानों को भड़काने का केस दर्ज किया जाए, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया जाए। ये किसने रिपोर्ट दे दी, ये ट्रेंच ने। आप लिख लेना पहली रिपोर्ट नंबर एक कि जितने भी लाग बाग हैं ये सारे ठीक है, छोड़ के एक दो को। नंबर दो, विजय सिंह पथिक है, इनको किसानों के भड़काने के आरोप के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अब प्यारे मित्रों ये बातें कब की थी, जून 1923। जब ट्रेंच ने ये निर्णय दिया तो ट्रेंच के इस निर्णय के खिलाफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, निर्णय के खिलाफ नहीं लेना स्क्रीनशॉट, वैसे लेना। ट्रेंच के इस निर्णय के खिलाफ क्या होता है प्यारे मित्रों,
याद रखिएगा। ट्रेंच के इस निर्णय के खिलाफ किसान लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं गांव में, और उस गांव में याद रखेंगे गांव का नाम क्या था, गोविंदपुरा। याद रखिएगा, गिरधरपुरा नहीं, गोविंदपुरा। यानी मैं कह सकता हूं ट्रेंच के निर्णय के विरुद्ध किसान, कौन भाई, किसान एकत्रित हो जाते हैं, कौन से गांव में, गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हो गए भाई साहब, चलो ठीक बात। और जैसे ही ये लोग गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हो जाते हैं, प्यारे मित्रों सुनना समझना, मैंने कहा ट्रेंच के निर्णय के विरुद्ध किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हो जाते हैं। अब इधर से ट्रेंच आता है, इधर से जो आपका अमृतलाल था वो आता है, वो दोनों धमकियां देते हैं यहां से निकल लो बाहर चले जाओ। ये कहते नहीं जाएंगे, ये कहते हैं जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हमारी लाग बाग कम नहीं की जाएंगी, तब तक हम लोग नहीं जाने वाले। जब ये लोग नहीं जाते हैं प्यारे मित्रों, तब मैं यहां यूं कहूं ट्रेंच के आदेश से राजकीय सेना द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, और इन गोलियों में गोलियां चलाई जाती हैं, और याद रखिएगा इन गोलियों में दो व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। एक का नाम तो याद रखना है प्यारे मित्रों, रूपाजी धाकड़, और एक का मित्रों याद रखना है कृपाजी धाकड़। प्रश्न आ सकता है कि रूपाजी कृपाजी कौन से आंदोलन में शहीद हो गए थे, तो याद रखेंगे ये दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं प्यारे मित्रों, कौन से आंदोलन में, बेंगू में। और ये जो घटना है, ये घटना कितने तारीख की है, 13 जुलाई 1923 की है। याद रखिएगा 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर ट्रेंच के निर्णय के विरुद्ध जब वो लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो वहां पे ट्रेंच के आदेश से गोलियां चलाई जाती हैं, और उन गोलियों में दो व्यक्ति रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं प्यारे मित्रों, शहीद हो जाते हैं। अगली बार ये हो गए शहीद। इनके शहीद होने के बाद में, इनके शहीद होने के बाद में सुनना, अब विजय सिंह पथिक स्वयं बेंगू आते हैं और धीरे धीरे बेंगू में आंदोलन को संगठित करने का काम करते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होते हैं। और सितंबर 1923 में विजय सिंह पथिक की क्या हो जाती है प्यारे मित्रों, गिरफ्तारी हो जाती है। सितंबर 1923 में गिरफ्तारी हो जाती है, दिसंबर 1923 के अंदर भूमि बंदोबस्त लागू हो जाता है, और अंततः याद रखिएगा 1925 में 53 लागों में से 34 लागें क्या कर दी जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। यानी मैं यूं कहूं 1925 ईस्वी में 53 में से 34 लागें खत्म कर दी जाती हैं, और इस प्रकार से यह आंदोलन है, यह आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। अब एक बार के लिए इस आंदोलन को मैं सुपर फास्ट आप लोगों को बता देता हूं, ये तो कहानी थी, धीरे धीरे समझ लेंगे, सुनिएगा क्या होता है। यानी याद रखिएगा प्यारे मित्रों, बेंगू आपका चित्तौड़गढ़ में बिजोलिया के पास, जब बिजोलिया के अंदर आंदोलन होता है तब यहाँ पे राजनीतिक चेतना जागृत होती है। और यहाँ याद क्या रखना आपको, यहाँ एक याद रखना है, मेनाल नाम का क्षेत्र है, मेनाल के अंदर भैरू कुंड नाम का स्थान, और भैरू कुंड नाम के स्थान पर 1921 के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, और 21 के अंदर लोग इकट्ठे होकर कहां जाते हैं प्यारे मित्रों, अजमेर जाते हैं। अजमेर किससे मिलने जाते हैं, पथिक जी से मिलने जाते हैं, और पथिक जी ने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है लेकिन राजस्थान सेवा संघ आपके साथ है। और पथिक जी किस व्यक्ति को भेज देते हैं प्यारे मित्रों, राम नारायण चौधरी को भेज देते हैं। याद रखना है कि पथिक जी किस व्यक्ति को भेज देते हैं, पथिक जी राम नारायण चौधरी को भेज देते हैं। और राम नारायण चौधरी है वो तत्कालीन दीवान कौन था, तो याद रखेंगे बहादुर दामोदर लाल। कौन था, बहादुर दामोदर जो लाल था उससे क्या करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम किसानों की समस्याओं को सुलझाएंगे। लेकिन प्यारे मित्रों होना जाना क्या था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में राम नारायण चौधरी कहां जाते हैं,
बेंगू आ जाते हैं और बेंगू आकर के किसानों को कहते हैं कि आप लाग बाग बंद कर दीजिए, फसलों का कूटा नहीं करवाएंगे और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करेंगे। जब ये बातें ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंचती हैं, जब ये बातें मेवाड़ के कानों तक पहुंचती है तो कोई हलचल मचती है और हलचल का एक ही होता है मित्रों, और कीजिएगा जून 1922 के अंदर अनूप सिंह और किसानों के बीच में एक समझौता होता है और समझौते को इतिहास के अंदर बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। बोल्शेविक रूस की क्रांति का एक बहुमत वर्ग था और याद रखिएगा वहां एक ही था, किसानों को खेत दो गरीबों को रोटी दो, यानी किसानों को उनका हक दिलवाना था और किसानों का उनका हक दिलवाना था। वैसा ही काम यहाँ पे इस राज वर्ग को दबाव में लेकर के किसानों ने करवा दिया। तो इस समझौते को ब्रिटेन की सरकार, मेवाड़ की सरकार स्वीकार नहीं करती है और स्वीकार नहीं करती है मित्रों तो गौर करना मार्च 1923 के अंदर यहां जो आपका अमृतलाल था वो प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। मित्रों सुनना, अमृतलाल था भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, ये फिर किसानों को परेशान करता है। और अंततः यहां पे एक बात याद रखनी है, जून 1923 के अंदर एक आयोग यहां पे आता है, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग चाहता था बेंगू के अंदर वार्ता हो लेकिन किसान चाहते थे रायता में वार्ता हो और रायता आखिर में बिखर जाता है और रायता जब बिखरता है तब किसान है वो यहां से टहस आपके टस से मस नहीं होते हैं तो ट्रेंच अब एक तरफा निर्णय दे देता है। ट्रेंच एक तरफा निर्णय में कहता है कि पथिक जो है वो क्या है, इन किसानों को भड़काने के लिए दोषी है, जबकि यहां जो लाग बाग वो सारी की सारी ओके। जब इतनी बातें होती है मित्रों तो जुलाई 1923 की बात है, जुलाई 1923 के अंदर गिरधरपुरा का नाम आया, गिरधरपुरा नहीं गोविंदपुरा, कौन सा गोविंदपुरा नाम के गांव में, गोविंदपुरा नाम के गांव में किसान इकट्ठे होते हैं। इन किसानों के ऊपर ट्रेंच के आदेश से क्या होता है, ट्रेंच के आदेश से गोलियां चला दी जाती हैं और रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। और इसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व तो पथिक जी फिर करते हैं तो सितंबर 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिसंबर 1923 में यहां भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दी जाती है। अंततः 1925 के अंदर याद रखेंगे, अंततः 1925 के अंदर 53 में से 34 कर हटा दी जाते हैं। इस प्रकार से बेंगू किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक चला। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ नए नॉलेज के साथ। जय हिंद। लेकिन एक प्रश्न रह गया था, एक प्रश्न मैंने दिया था, वो प्रश्न था कि राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई, तो याद रखिएगा मित्रों राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई 59 है जो 18 का नाम 8.66% है भारत का और भारत में रेलवे जोन वर्तमान में 18 है। जय हिंद, जय भारत।